कृष्ण हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री वसति गौर भक्त वृंद श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री वसति गौर भक्त वृंद श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद Hare 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 Rama Hare
ज्ञातिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाखया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरवे गौरचन्द्राय राधिकाय यस्तदाले कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो श्रीवैष्णवेभ्यो नमो नमः। आजानुलम्बितभुजौ कनकावदातौ सङ्कीर्तनैकपितरौ कमलायताक्षौ विश्वम्भरौ द्विजवरौ युगधर्मपालौ वन्दे जगत्प्रियकरौ करुणावतारौ। हे कृष्णकरुणासिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकाकान्त श्रीराधाकान्त नमस्तुते। तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। भक्त्या विहीनापराधलक्षै क्षिप्तासि कामादितरङ्गमध्यै कृपामयि त्वं शरणं प्रपन्ना वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दम्। जय रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्रीजीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ। ऐ छय गोसाई करी चरण वंदन जहा हित विघ्न नाश अभीष्ट पुरन। कदाचित कलि तट विपिन संगीत तरल मुदा भी नारी बदन कमला स्वाद मधुप रमा शंभु ब्रह्मा अमरपति गणेशार्चित पद जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। बोलो हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे। बोलो हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम मेरे गुरुपाद पद्म नितलीला प्रविष्टम विष्णुपाद अष्टोदशत श्री श्री श्रीमद् भक्ति श्री रूप सिद्धांत गोस्वामी महाराज के चरण कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हूँ। तत्पश्चात मेरे शिक्षा गुरुपाद पद्म नितलीला प्रविष्टम विष्णुपाद अष्टोदशत श्री श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत श्रील नारायण गोस्वामी महाराज जी के चरणों सरज में श्रद्धा पुष्पांजलि अर्पण करता हूँ। उपस्थित वैष्णव वैष्णवी माता पिता भाई बहन सभी को मैं यथाजोग्य प्रणाम करता हूँ। गतकल्य हम लोग श्रवण कर रहे थे श्री जगन्नाथ जी का जो रूप है, क्यों इनका ऐसे रूप है, इसलिए गुरु जी ने अपना ग्रंथ में इसकी तीन कारण गुरु जी ने बताया है। कल हम लोगों ने पहला कारण हम लोगों ने श्रवण की थी कि जगन्नाथ जी का रूप ऐसे क्यों है, और हम लोग उसका दूसरा कारण भी हम लोग कल श्रवण कर रहे थे कैसे कृष्ण द्वारका में रहते हुए भी रहते थे द्वारका में, लेकिन दिन रात चिंता करते हैं ये ब्रजवासियों। रात में सोते हैं रुक्मिणी सत्यभामा को पास में, लेकिन रोते हैं श्री राधा रानी के लिए, रोते हैं श्री ललिता विशाखा के लिए। इसलिए भगवान रहते हैं द्वारका में, लेकिन द्वारका में रहते हुए भी केवल शरीर द्वारका में, लेकिन जो मन है उनका मन श्री वृंदावन धाम में।
इसलिए मही शिव ने श्री रोहिणी जी को प्रश्न करते हैं, बोले हम एक से एक सुंदरी हैं और एक से एक हैं राजकुमारी हैं, हम एक से एक सारी कला में हम निपुण हैं, हम 16,108 रानियां, हम सबके सब कोशिश करते हैं कृष्ण को हम सुख कैसे दे, लेकिन रहते हैं कृष्ण हमारे पास में लेकिन दिन रात रोते हैं ये ब्रजवासियों के लिए। इसलिए मैया थोड़ा हमें कृपा करके बताओगे ये ब्रज में कृष्ण रहते समय क्या क्या उन्होंने लीला की है। बोले भैया ब्रज का लीला तो एक ही दिव्य लीला है, अगर कृष्ण को पता चलेगा ना फिर कृष्ण छोड़कर तुमको चला जाएगा, वो रहेगा नहीं, क्योंकि ब्रजवासियों को प्रेम को सामने हम किसी चीज को हम कभी तुलना नहीं दे सकते हैं। इसलिए उद्धव जैसे व्यक्ति भी इतने बड़े ज्ञानी इतने बड़े जोगी कद वृष्ण नाम परवर मंत्री कृष्ण स दैत सखा, कृष्ण का सखा है प्रिय है मित्र है मंत्री है और कृष्ण को परामर्श देने वाले उद्धव है, लेकिन एक उद्धव जैसे व्यक्ति भी बोले उद्धव शुद्ध है गयो सुनी गोपियों की बोल, प्रेम बजाए ज्ञान बजाए डुग डुगी बाजे प्रेम की ढोल, जहाँ प्रेम रूपी ढोल बज रहे हैं वहां पर डंबर मतलब डुग डुगी मतलब डंबर उसका आवाज क्या कुछ भी नहीं उसको सामने, इसलिए जहाँ प्रेम की जहाँ ढोल बज रहे हैं ज्ञान क्या कर सकती है। इसलिए उद्धव जैसे व्यक्ति भी जिनकी प्रेम को देख करके उद्धव जी 5 श्लोकों के द्वारा ब्रजवासियों का ब्रज गोपियों की श्री राधा रानी की प्रेम को महिमा गाती हैं श्री उद्धव जी। अगर इसी जगत में किसकी जीवन धारण करना सार्थकता है केवल ये गोपियों की है। बोले क्यों, इनके अंदर में है क्या चीज, बोले जिस प्रेम के लिए मैं स्वयं, जिस प्रेम के लिए स्वयं ब्रह्मा जी, जिस प्रेम के लिए स्वयं शंकर जी तरसते हैं जिस प्रेम के लिए, लेकिन वो प्रेम श्री ब्रज गोपियों के पास में स्वर्ग में देवियों को जो सौभाग्य प्राप्त नहीं है, कहते जिस सौभाग्य लक्ष्मी को भी प्राप्त नहीं वो सौभाग्य ये ब्रज गोपियों को प्राप्त है। इसलिए श्री माता रोहिणी जी ब्रज प्रेम की गाथा गा रहे हैं, उनको राजमहल के अंदर में सुभद्रा जी को दरवाजा में खड़े कर दिया, बोले खबरदार कृष्ण आए ना दाव भैया आए उनको घुसने मत दिया करना। इसलिए वहां पर खड़ी हो गई सुभद्रा और अंदर में मैया रोहिणी ब्रज प्रेम की कथा सुना रही है। कल हम लोग ने श्रवण किया था, उन्होंने कथा सुनाते सुनाते कैसे उन्होंने बताए क्या बताए कृष्ण कहाँ भगवान है जिनके विश्व ब्रह्मांड का मालिक है, लेकिन प्रभु कैसे गोपियों को प्रेम में बसीभूत होकर के घर घर में जाकर के मक्खन चोरी करते हैं। इसलिए अगर मैया अगर पकड़ लिया तो क्या कहते हैं, बोले मैया मोरी मैंने ही माखन खायो, सुन मैया मोरी मैंने ही माखन खायो, भोर भयो गई अन को पाछे मधुबन मो ए पठायो, सुन मैया मोरी मैंने हिमा खन खा। जहाँ पर भगवान कृष्ण इतने प्रेम में बसीभूत है भगवान मार की डर से हाँ मैया मुझे मारे नहीं, जिसका डर से काल भी स्वयं थरथर थरथर कांपते हैं, लेकिन आज भगवान मैया की डर से आज भगवान झूठ बोल रहे हैं, मैया मरी मैं नहीं माखन खाए, इसलिए कन्या झूठ बोल देते हैं हाँ झूठ बोल देते हैं। जिसकी प्रेम में बसीभूत होकर के भगवान अभी तक भगवान को कोई बांध नहीं सके, भगवान ही अपना माया की डोरी में विश्व ब्रह्मांड को बांध कर रखे हैं, सभी को कान पकड़ करके भगवान ये माया में उठाते हो बैठाते हैं, लेकिन जब कन्हैया मखन चोरी की मैया ने उखल में बांध दिए, भगवान स्वयं माता की बंधन को स्वीकार करते हैं। बोले क्यों, बोले सबसे ऊंचे प्रेम सगाई, सबसे ऊंचे प्रेम सगाई, इसलिए भगवान
कहते सबसे ऊंची प्रेम सगाई है, जगत में बहुत बंधन है जगत में। लेकिन श्री सूरदास कहते हैं जगत में बंधन तो बहुत है, लेकिन सबसे ऊंची क्या है, सबसे श्रेष्ठ कौन सा बंधन है? बोले सबसे ऊंची प्रेम सगाई। भगवान केवल प्रेम को द्वारा ही ठाकुर जी, केवल उसको द्वारा ही ठाकुर जी बंध जाते हैं। इसलिए उदाहरण देते हैं, भगवान प्रेम के वशीभूत होकर क्या नहीं किया। कहते गोपियों ने नाच नचाई, गोपियां कहते कन्हैया तेरे को हम लड्डू खिलाएंगे, कन्हैया तेरे को मक्खन खिलाएंगे, थोड़ा नाच करके दिखा दोगे। भगवान केवल एक चूर छाछ गोबर में भगवान नाचते हैं, सिर पर हाथ रख करके कन्हैया ठुमक ठुमक करके कन्हैया नृत्य करते हैं। हाँ, इसलिए मतलब प्रेम के वशीभूत होकर के भगवान अर्जुन रथ हांग को भूल गए ठाकुर आई, कहा विश्व ब्रह्मांड का मालिक, लेकिन काम क्या करते हैं? बोले काम करते हैं अर्जुन का रथ को खींचते हैं, हाँकते हैं, घोड़ा अगर थक जाए तो उनको खाना खिलाते हैं, मालिश करते हैं। इसलिए भगवान प्रेम में वशीभूत होकर के ठाकुर जी बोले सबरी झूठा बेर खाई, भूल गए ठाकुर आई। इसलिए भगवान जब सबरी को पास में पहुंचे, सबरी पहले खुद खा रहे थे, खा करके देख रही थी फल खट्टा ना मीठा है, खट्टा फल को तो फेंक रही थी, सबरी मीठा मीठा फल को खिला रही था। रामचंद्र बड़े प्रेम से खा रहे, कहते लक्ष्मण जितने भी मुझे मेरे भक्तों ने बड़ी बड़ी सेवा करते हैं, बैकुंठ में मेरी लक्ष्मिया सेवा करते हैं, द्वारका में सीता भी सेवा करती हैं, हाँ इसलिए द्वारका में 16108 पटरानी भी सेवा करती हैं, लेकिन आज ये सबरी की झूठा बेर में जो आनंद आया है वो आनंद मुझे कहीं नहीं आया। इसलिए बहुविधि स्वाद बताई, बोले आज बड़ा मीठा फल खाए। हाँ, इसलिए भगवान वशीभूत होकर के कहते हैं दुर्योधन मेवा को त्याग दे करके भगवान क्या कहते हैं, विदुर के घर में ठाकुर जी साग भाजी खाते हैं, केले के छिलका ठाकुर खाते हैं। जो विदुर बाहर गए हुए थे, कृष्ण जब घर में आए, हैं आए तो विदुरानी तो बाबड़ी बन गई, अनंत कोटि विश्व ब्रह्मांड का मालिक आज मेरे घर में, मैं कभी सोच भी नहीं सकती आज भगवान मेरे घर में आएंगे। ठाकुर जी को कुछ खिलानी चाहिए, कुछ था नहीं, केले ले आए, केले ला करके केले के छिलका को फेंक खिला रही थी और केले फेंक रही थी, विदुर जी आ गए, देखा ये तो प्रेम में बाबरी बनी हुई, भगवान को केले का छिलका खिला रही है। बोले तू कर रहे हो क्या, भगवान को केले का छिलका खिला रहे हो, उसका तो हुदहुद थी नहीं। होश आया, होश आया तो इतने में ठाकुर जी को केला खिलाने लग गए। कृष्ण ने कहा विदुर पहले केले का छिलका में जो आनंद आ रहा था ना, अभी ये केले में वो आनंद नहीं आता है, मैं केले भी नहीं खाता हूँ, मैं छिलका भी नहीं खाता हूँ। हाँ, भगवान राम ही केवल प्रेम प्यारा, भगवान केवल प्रेम की ही भूखे हैं ठाकुर जी, भगवान और कोई चीज नहीं देखते हैं। इसलिए श्री सूरदास जी कहते हैं बोले इसकी बात छोड़ दो, बोले बन गए हर नाई। ये हर नाई, नाई मतलब जो नापित होता है, बारबर होता है, एक कोई एक बारबर नापित था, नाई था, जिसका रोज काम था दुर्योधन को शरीर में तेल लगाना, हाँ इसका रोज काम था। लेकिन वो बड़ा वैष्णव, इससे भी अगर कोई साधु संत वैष्णव आ जाए, बड़े साधुओं को सेवा करता था। एक दिन क्या हुआ, वो नाई जिस समय ठीक दुर्योधन को तेल मालिश करने जाएगा, ठीक उसी समय में कुछ साधु आ गए। अभी तो बड़े दुविधा में पड़ गया, अभी मुझे क्या करनी चाहिए, अगर संतों को सेवा छोड़ता हूँ फिर तो अपराध है, हाँ फिर दुर्योधन को सेवा छोड़ता हूँ लगता है फिर नौकरी मिल जाएगी, ये दुर्योधन बड़ा दुष्ट है और संत हर समय आते ही नहीं, बड़े भाग्य से कहीं संतों का दर्शन मिलता है। भगवान स्वयं कहते हैं मैं तो संतों का हृदय में बैठता हूँ, अगर मुझे कोई खुश करना चाहते हैं सबसे सरल उपाय है मेरे संतों को, मेरे भक्तों को तुम सेवा करो। इसलिए नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं बोले वैष्णव हृदय सदा गोविंद विश्राम, गोविंद कहे नमः,
वैष्णव परायण प्रति जन्म करी आशा चरणे रधोली नरोतम कर दया आप नार बोली। इसलिए श्री नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं मैं रहता हूं कहां पर, बोले संतों का हृदय में रहता हूं, मैं और कहीं नहीं रहता हूं। बोले भैया और कोई स्थान नहीं मिला, संत का हृदय में क्यों रहते हो? बोले उनका हृदय में कोई हयोला नहीं है, कोई कामना वासना नहीं। बोले न धनम न जनम न सुंदरी कविता ब जगदीश कामये मम जन्मनि जन्मनि स्वरे भवताद भक्ति अहितुकी तोई। कहते तो मेरे भक्त तो मेरे से कुछ भी नहीं मांगते हैं, धन जान पुत्र परिवार का ठाकुर जी देना तो तुम्हारी सेवा ही दो और कुछ नहीं है, केवल तुम्हारी सेवा ही हमें दो, इसलिए मैं उनका हृदय में रहता हूँ। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की, राधा विनोद बिहारी जीव की जय। इसलिए कहते अभी वो तो बड़े दिविधा में पड़ गया, अभी मुझे क्या करनी चाहिए, संत सेवा छोड़ू ना दुर्योधन दुष्टों का सेवा करूं। सोचा अरे दुर्योधन का सेवा तो करते रहते हैं लेकिन संत तो हर समय आते नहीं, आज हम संतों की सेवा करूंगा। इसलिए उन्होंने बढ़िया बढ़िया संतों के लिए चकाचक उन्होंने बढ़िया बढ़िया प्रसाद बनाए, ठाकुर जी को भोग लगाए, भोग लगाकर खूब संतों की सेवा किया, चकाचक संतों की खूब सेवा किया, उनको प्रणाम दक्षिणा देकर संतुष्ट कर दिया। इधर ठाकुर तो चिंता में बढ़ गए, भले मुझे क्या करनी चाहिए, क्योंकि अगर ये दुर्योधन की सेवा में नहीं जाएगा इसी पैसा से इसका संसार चलता है, हाँ? अभी मुझे क्या करनी चाहिए। इधर कृष्ण स्वयं वो नापित का रूप धारण, वो बार्बर का रूप धारण कर लिए और दुर्योधन के पास में पहुंच गए और दुर्योधन को उन्होंने कृष्ण स्वयं उनको शरीर में तेल लगाए। कौन तेल लगा रहे हैं? ठाकुर जी। जब भगवान दुर्योधन का शरीर में तेल लगा रहे थे, भगवान तेल लगा रहे हैं, दुर्योधन का तो रोम रोम खिल उठा, आंखों से आंसुओं की झरी बहने लग गया। कहते आज मुझे इतने आनंद मिला, जीवन में हमने कभी इतने आनंद कभी मिला ही नहीं, क्यों? आज स्वयं ठाकुर जी सेवा कर रहे हैं। भगवान जिनकी सेवा कर कोई साधारण बात थोड़ी है। इतने प्रसन्न हो गया, इतने दुर्योधन प्रसन्न हो गया, उसको गले में बड़ी कीमती हार था, वो हार उतार करके और नाई को गला में डाल दिया। बोले जीवन में सबसे बड़ा आनंद आज मुझे मिला है, तेरे हाथ में क्या जादू है भाई, हाँ क्या तेरे हाथ में कोई जादू है? लेकिन जब उसको गले में डाल दिया, लेकिन वो हार क्या हुआ, वो हार आकर के वो जो नाई था ना उसको गले में अपनी अब आ गया, लेकिन उसको पता नहीं मेरे गले में वो हार है। इधर उसने साधु संतों की सेवा करके, वैष्णवों को सेवा करके, फिर जब दुर्योधन को पास में आया, सोचा पता नहीं ये दुष्ट क्या करेगा, हो सकता है नौकर से निकाल देगा, हाँ मेरे संसार के लिए चलेगा, नहीं तो दंड देगा। लेकिन जब ये आया, आकर के बोले दुर्योधन को बोला, बोले महाराज आज मेरी गलती हो गई, घर में कुछ साधु लोग आ गए थे, उनकी सेवा करने में थोड़ा देर हो गई, मेरे अपराध को माफ कर देना। दुर्योधन बोले क्यों, आज तुमने मेरी इतने इतने सेवा की, जीवन में मुझे इतना आनंद कभी जिंदगी में मिला ही नहीं, आज जितने मुझे आनंद मिला, क्यों ठाकुर सेवा किया ना, इसलिए आज इतना मुझे आनंद कभी मिला ही नहीं। बोले नहीं नहीं मैं तो अपराधी हूँ, आज टाइम पर नहीं आ पाया, इसलिए मेरे अपराध को माफ कर दो। दुर्योधन ने कहा लगता है तेरा घमंड हो गया, क्योंकि मैं तेरे को इतना कीमती हार दे दिया ना, वो नाई को पता नहीं गले में वो हार है, बोले तेरे को मैं ये हार दे दिया ना, इसलिए लगता है तेरा घमंड हो गया। उसने किया क्या, दुर्योधन ने उसका हार को ऐसे पकड़ा और छीन लिया। बोले भैया ये हार कहाँ से आ गया गले में, उसको पता नहीं गले में हार है। फिर वो तो भी भक्त है ना, वो समझ गया, ये समझ गया, हाँ ये लगता है ये स्वयं ठाकुर जी आकर के इनकी सेवा की है, नहीं तो बोलता है आज मुझे जो आनंद मिला जिंदगी में कभी इसे आनंद नहीं मिला, मतलब ठाकुर जी स्वयं आकर के सेवा की। उसने उसी दिन से उसकी सारी सेवा त्याग दिया, बोले आज मेरे लिए भी मेरे ठाकुर जी ये दुष्ट बदमाश का सेवा करना पड़ गया, तभी से उन्होंने नौकरी छोड़ दिया, बोले इसकी नौकरी हमें नहीं करनी है। इसलिए कहते सबसे ऊंची
प्रेम सगाई। जगत में सबसे ऊंची भगवान की प्रेम का बंधन, जगत में सबसे बड़ा बंधन है, प्रेम के बंधन है, हाँ? इसलिए जहां पर ठाकुर जी स्वयं ठाकुर आए को छोड़ करके ठाकुर जी स्वयं भक्तों की ठाकुर जी सेवा करते हैं ठाकुर जी। इसलिए मैया रोहिणी कथा सुना रही थी महेशियों को, बोले क्या बताओ कन्हैया के प्रेम की बात। जब भगवान कृष्ण मैया जसोदा उनको उखल में बांध देती हैं, विश्व ब्रह्मांड को जो कांट पकड़ करके उठाते हैं बैठाती हैं, अगर कन्हैया कोई मिट्टी खा लिया, मैया सुन लिया मिट्टी खा लिया, मैया सीधा अगर कांट पकड़ लिया, बोले क्यों रे चोर चोटे, घर में क्या मक्खन की कमी है, आज तूने ये मिट्टी कैसे खा लिया। आज भी भगवान स्वयं डर से कहते हैं, बोले ना अहम भक्षितवानम हो सर्वे मिथ्याभिशंसिनम, बोले मैया तू बड़ी भोली भाली हो, तू बड़ी जल्दी इनकी बातन में आ जाती, आज कहा भयो तेरे को पता है, बोले कहा भयो, बोले ये सखा लोग ना अपना अपना घर से लड्डू कचौड़ी मालपुआ पिज्जा पास्ता चोरी चोरी कर खिलाते हैं, तेरे को पता है मैं कभी चोरी का चीजें खाता नहीं, ये मेरे को जोर जबरदस्ती कर रहे थे खा और मैंने खाया नहीं। इन लोगों ने सोचा हो ना हो हमारे मैया को पास में जाकर के शिकायत नहीं कर दे, इसलिए मैं शिकायत करने से पहले ये जाकर के शिकायत कर दी मेरे नाम पर, और तू बड़ी जल्दी इनकी बातें में आ गई और मेरे को चोर बता रही हो। मैंने मिट्टी खाई भई मैया, मैंने मिट्टी नहीं खाई, हाँ? इसलिए भगवान कभी कभी मैया को प्रेम में वशीभूत होकर के ठाकुर जी ये झूठ भी ठाकुर जी बोल देते हैं, हाँ? ठाकुर जी ये झूठ भी बोलते हैं। इसलिए कद भगवान की जो लीला है वो अद्भुत दिव्य लीला ठाकुर जी की है। जिस समय ब्रज की गोपियां घर में बैठी हुई है, कृष्ण भी गोचारण करने के लिए ठाकुर जी गए, गोपियां अपना दिव्य नेत्र से दर्शन कर रही हैं, कृष्ण कैसे जंगल जंगल में, ठाकुर जी कैसे गैया चरा रहे हैं। इधर गोपियां वेणु गीत गाती हैं, भागवत में एक अद्भुत गीत है जिसको कहते हैं वेणु गीत है, बोले त्रिजगत मानसा कर सी मुरली कलकुजित। जब भगवान बंसी ध्वनि बजाया करते थे, बंसी ध्वनि की क्या अद्भुत चमत्कारिता, बंसी ध्वनि बजाते समय उसी समय जो गिरिराज गोवर्धन जो पत्थर है वो पत्थर भी द्रवीभूत हो जाता था, जहां के तहां भगवान का चरण का छाप अभी भी वृंदावन में, अभी भी उनका चरण की छाप पड़ा हुआ है। जब भगवान बंसी ध्वनि बजाते थे उसी समय यमुना जैसे ऐसे बहती हैं, लेकिन जब बंसी ध्वनि बजाते थे पानी जहां के तहां स्तब्धीभूत हो जाता था, जैसे पानी ऐसे अगर आए, पानी अगर यहाँ बंद हो जाए फिर क्या होता है, वहां पर भौंरा पड़ जाता है। फिर ये यमुना कमल पुष्पों को लेकर के कृष्ण के चरण में ये अर्पण कर देती थी। इसलिए गोपियां कहती हैं अगर धन्य है ना, किसका जीवन धन्य है, कि जीवन ये हिरणियों का जीवन धन्य है, कृष्ण का बंसी ध्वनि सुन करके ये हिरण हिरणिया कैसे आ करके कृष्ण को मुख कमल को दर्शन करते हुए ये आरती उतारती हैं। देखो देखो तो सही, ये यमुना में जो पुष्प खिला हुआ ना, वो पुष्प खिला नहीं बल्कि क्या है, वो हंस रहा है। बोले क्यों हंस रहा है, बोले भगवान जो बंसुरी बजाते हैं वो बांस का एक टुकड़ा है, हाँ? बांस की एक टुकड़ा है, कहते इसी बांस के टुकड़े से कन्हैया बंसरी बजाते हैं, इसलिए जो वृक्ष से जो मधु झर रहा है ना, ये मधु नहीं, ये सबके सब प्रेम से ये रो रहे हैं, ये प्रेम से रो रहे हैं। बोले प्रेम से क्यों रो रहे हैं, इसलिए बताए वंश में अगर एक व्यक्ति वैष्णव बन जाए, वंश में एक व्यक्ति भगवान की भक्ति में लग जाए, उसमें कितना लाभ है। बोले कुलम पवित्रम जननी कृतार्था वसुंधरा वसतीश्च धन्या नृत्यति स्वर्गे पितरि पितरेषां जैसाम कुले वैष्णव नाम धेयम्। बोले वंश में एक पुत्र तुम्हारी भगवान का भक्ति में लग जाए, बोले उसका 21 पीढ़ी उद्धार हो जाते हैं। अगर वो भक्त अगर उत्तम वैष्णव हो तो उसको 21 पीढ़ी उद्धार होते हैं, अगर मध्यम तरीका की भक्त हो तो उनको 14 पीढ़ी उद्धार होते हैं, अगर कोई कनिष्ठ भक्त हो उसको 7 पीढ़ी उद्धार होते हैं, हाँ? इसलिए कृष्ण बंसुरी बजा रहे हैं, वो बांस के एक टुकड़े हैं, इसलिए जो वृक्ष है ना बड़े प्रसन्न हो रहे हैं। क्यों? बोले हमारी तो संतान है ना,
बांस का एक टुकड़ा है, मतलब हमारी ये बच्चा है कृष्ण। आज देखो हमारी बच्चे को, मतलब हमारा बांस का एक टुकड़े को कृष्ण कैसे लेकर के बंसुरी बजा रहे हैं। कभी अधर पर रखते हैं, कभी कमर पर रखते हैं, हाँ ये बंसुरी को कभी छोड़ नहीं रहे हैं। इसलिए ये आनंद कुमारे वो आंखों से आंसू बहा रहे हैं। बोले ये जमुना में उसम सरोवर राधा कुंड श्याम कुंड में जो फूल खिला हुआ वो फूल नहीं, बोले क्या है, ये नदियां हंस रही हैं। बोले क्यों हंस रही हैं, जैसे वृक्ष है, हाँ वृक्ष पानी तो पीते है ना, जैसे एक बच्चा दूध पी करके तभी तो बच्चा बड़ा होता है। इसलिए ये बांस जो बड़ा हुआ कैसे बड़ा हुआ, ये सरोवर का पानियों को पी करके तो वृक्ष बड़ा हुआ है। इसलिए ये नदियां पुष्पों को द्वारा हंस रहे हैं, बोले भैया हमारी तो स्तन पी करके ये वृक्ष हमारी तो दूध को पी करके तो बड़ा हुआ है ना, इसलिए हम कितने सौभाग्यवान हैं। हमारा कन्या एक बंसुरी टुकड़ा को लेकर के बंसुरी बजा रहे हैं। इसलिए कोई टीकाकार कहते हैं देखो देखो तो सही, राधा रानी कहती है देखो देखो तो सही, कृष्ण ये बंसुरी को कितने सौभाग्य प्रदान कर रहे हैं, कितने सौभाग्य दे रहे हैं। जैसे बंसुरी बजाते हैं कैसे ऐसे, हाँ हाथ में ऐसे पकड़ करके बंसुरी बजाते हैं। राधा रानी कहती हैं जैसे एक राजा महाराजा की सेवा हो, हाँ जैसे राजा महाराजा की जैसे डल्लभ गद्दी पर सोया हुआ हो, कहते कृष्ण का दोनों अंगुलों के ऊपर बंसुरी, कहते अंगुल नहीं ये डल्लभ गद्दी है, फिर तकिया रखते हैं, तकिया क्या है कृष्ण अधर के ऊपर में वो बंसुरी को रखते हैं, कहते ये ओठ नहीं ये तकिया है, और बंसुरी को ऐसे ऐसे बजा देना, ऐसे ऐसे अंगुली चलाते हैं, वो अंगुली नहीं चला रहे हैं, जैसे किसी राजा महाराज के चरण को दबाते हैं, ये बंसुरी की सेवा कर रहे हैं। हाँ कहते कृष्ण का कान में कुंडल है, जैसे किसी राजा को सिर के ऊपर में छत्र धारण करते हैं, ये कुंडल कहते हैं ना ठीक कुंडल है ऐसे, बोले इसके ऊपर छत्र धारण किया है। कहते आंखों का जो पलक झप रही है ये पलक नहीं, जैसे किसी राजा महाराज को पंखा झुलाते, पंखा झुलाते हैं, इसलिए आंख का पलक नहीं जैसे पंखा झुला रहे हैं। हाँ इसलिए ब्रज की गोपियां ये बंसुरी की तीनों महिमा, बंसुरी की तीनों महिमा बताते हैं जो कल्पना से बाहर है। हाँ इसलिए ये बंसी ध्वनि एक अद्भुत अद्भुत है कृष्ण की बंसुरी की ध्वनि की। इसलिए वहां पर संपूर्ण एक गोपी बंसी को उन्होंने वेणु गीत रूप में बताया गया है। ये बंसी गीत को पांच गीत में ये एक गीत है, ये वेणु गीत है। इसलिए गोपियां कहती हैं भले बरहा पिडम नटबर बपुहो कर्णयो कर्णिकारम बिभ्रत बास कनक गभिषयम वैजयन्ति च माला रंध्रान वेणुरधर सुधया पुरयान गोप वृंदै वृंदारण्यम स्वपद रमणम प्राविशस्तत गीत कीर्ति। गोपियां बैठ बैठ करके अपना दिव्य नेत्र को द्वारा कृष्ण की रूप का वर्णना कर रही हैं। कृष्ण कितने सुंदर है, बोले बरहा पीड़म, बोले भगवान का सिर पर क्या लगाए, बोले मयूर पंख लगाए, बोले मयूर पंख क्यों लगाए, बोले मयूर पंख में श्री राधा रानी का नाम लिखा हुआ है, इसलिए कृष्ण सिर पर मयूर पंख लगा करके राधा रानी की महिमा को गा रहे हैं। देखो हमने सिर पर राधा जी का नाम को धारण किया है। दूसरा कारण है मयूर पंख क्यों लगाए, बोले मयूर जो मयूर है कहते ये ब्रह्मचारी है, हाँ इसलिए भगवान ब्रह्मचारी को बड़े प्रेम करते हैं, इसलिए भगवान अपना सिर पर जैसे उनको स्थान दिया है। तीसरा कारण बताए कभी राधा रानी कभी बरसाना में मयूरी बनी थी, जो लोग गए बरसाना गौर वन की परिक्रमा की होगी वहां पर एक मयूर कुटी है जहाँ पर से राधा रानी स्वयं कभी मयूरी बनी है, इसलिए कृष्णा ये मयूर पंख लगाते हैं। चौथा कारण बताए कृष्ण कभी बंसुरी बजा रहे थे, बोले मयूर कब नृत्य करता है, मयूर तभी नृत्य करता है जब आकाश में मेघ छा जाए, हाँ रिमझिम रिमझिम बारिश होने लग जाए, गड़गड़ गड़गड़ शब्द हो, जब बिजली चमके तब ये मयूर नृत्य करता है। मयूर हर समय नाचता नहीं, ठीक इसी समय नृत्य करता है। इसलिए कृष्ण का रंग कैसे है, मेघ जैसे, हाँ कहते उनको जो पीतांबर कैसे बिजली जैसे चमक रहा है, और भगवान की बंसुरी की शब्द जैसे घड़घड़ घड़घड़ शब्द होता है, हाँ इसलिए। और उसी समय मयूर नृत्य करता, जब कोई नृत्य करता है ना कब नाचता है,
कोई दुखी होकर नहीं नाचते, सुखी होकर नाचते हैं, आनंद से सबके सब आनंद से नृत्य करते हैं। आज मयूर ने बड़े प्रसन्न होकर नृत्य किया। जब कोई नृत्य करता है ना, उसका दिल एकदम खुल, दिल खुश हो जाता है, जो मांगो वही दे देता है। इसलिए आप देखना, जब कोई नृत्य करता है ना, हम 10 रुपये 5 की हीरो लेकर के इसे घुमा घुमा कर देते हैं। इसलिए अभी मयूर ने नृत्य की, बड़ी आनंद उसको हुआ। अभी कृष्ण को तो कुछ देनी चाहिए, बोले मेरे पास में तो कुछ है ही नहीं, मेरे पास में अपना पंख है। इतने मयूर ने अपना पंख को झाड़ देता है, झाड़ करके जब उसमें एक मयूर पंख गिरता है, कहते ये प्रेम की भेंट है। हाँ, ये प्रेम की भेंट है। इसलिए कृष्ण मयूर पंख उठाया और अपना सिर पर लगा दिया। इसे कहते बराहा पीड़म नटवर बपुहु, बोले भगवान का स्वरूप कैसे है, बोले नटवर है। कहते शंकर जी नटराज है, शंकर जी नटराज है, नट है, लेकिन नट का बर कौन है? बर मतलब होता है पति। कहते ये शंकर जी के पति कौन है? बोले कन्हैया। नटवर शंकर जी का जो पति कौन है? बोले कृष्ण। भैया शंकर जी का पति कृष्ण थोड़ी है, शंकर जी का पति कृष्ण कैसे? बोले भगवान कृष्ण जब रास रचाते हैं, शंकर जी गोपी बन करके आते हैं। बोले गोपियों का पति कौन है? कन्या है ये, इसलिए कृष्ण कहते नटवर है शंकर जी। इसलिए शंकर जी कृष्ण नटवर है और शंकर जी नटराज है। हाँ, इसलिए शंकर जी की पहले बड़ा अभिमान था। बोले भैया मैं नटराज हूँ, सबसे सुंदर नृत्य मैं करता हूँ। लेकिन जब भगवान कालियों को सिर पर नृत्य करते हैं, कालियों की सब फण था, जब भगवान सब फण को ऊपर में जब कृष्ण नृत्य कर रहे थे, सारे देवता देख देख दंग रह रहे थे। शंकर जी सोच रहे थे मैं सबसे बड़े सुंदर नृत्य करने वाला हूँ। आज कृष्ण ने कहा देखो, कोई कलसी को सिर पर लेकर नाचते हैं, कोई रस्सी को सिर ऊपर नाचता है, कोई हाँ कहते कोई तलवार ऊपर नाचता है, लेकिन आपने कभी देखा सांप का सिर के ऊपर नाचते हुए किस पर देखा? इसलिए कालियों का सिर सर सौ सिर के ऊपर नृत्य कर रहे थे। उसी समय श्री सूरदास गाते हैं, बोले तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरिधारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरिधारी, पम 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 पन पन गत फम 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 फन बहु पर बिंग 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 बिनत करत नाग बधुआली, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरिधारी, सन 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 कादिक गन 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 गंधर्व गन नाम 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 नारद मुनि सब देत ताली, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरिधारी बम बम बलिहारी। इसलिए शंकर जी कहते हैं बम बम बलिहारी। शंकर जी कहते प्रभु आपका बलिहारी हो, आपकी जयकार हो, मैं तो सोच रहा था सबसे बढ़िया मैं नृत्य करता हूँ, लेकिन आज तो आपने सब ऊपर कालियों के सिर पर ठाकुर जी आपने नृत्य किए हैं। इसलिए बराहा पीडम नटवर बपु कर्णयो कर्णिकारम, भगवान दो कान में एक कनियर पुष्प धारण करते हैं। कनियर पुष्प देखे कि नहीं? वो कनियर पुष्प ऐसे होता है। बोले क्यों दोनों में एक क्यों? बोले एक अढ़ान पण है, दूसरा है कृष्ण जब नंद भवन में रहते हैं, गोपियों को आज कृष्ण किधर गैया चराने जाएंगे, आज कहाँ पर उनको मिलन होगी, कहाँ कुंज बनेगा, वो तो मैया पिता के सामने बोल ही नहीं सकते हैं। जिधर जाएंगे ना कन्या, उस तरफ में वो कन्या पुष्प लगा कर ऐसे कर देते मुखिया इस तरफ जा कर, आज हम इधर जाएंगे। इसलिए बोले कर्णयो कर्णिकारम, बोले बिभ्रत वास, बोले भगवान का जो वस्त्र है कैसे है? बोले पीताम्बर है। बोले भगवान पीताम्बर क्यों धारण करते हैं? बोले कारण है राधा रानी का जो अंग का जो रंग है वो तप्त कांचन गौरांग पीले रंग के, इसलिए राधा रानी का प्रति विशेष प्रेम को अभिव्यक्ति कर रहे हैं। इसलिए बोले बिभ्रत वास कनक कपि स्वयं वैजयंती च माला, इसलिए गले में वैजयंती माला, गले से लेकर चरण तक जो माला, कभी 5 रंग और कभी 7 रंग की। कहते भगवान की जो भक्ति है 5 और 7 रस 12 रस से उनको भक्ति होता है। 5 मुख्य रस और 7 ये गौण रस को द्वारा भगवान की भक्ति होती है। हाँ, इसलिए बोले रंध्राण वेणुरधर सुधया, भगवान क्या करते? बोले बंसुरी बजाते हैं। बोले बंसुरी क्यों बजाते हैं?
भगवान कहते भैया मेरे पास में है ना बंसी बन कर गया। मतलब क्या, अब बंसी देखना वो अंदर के एकदम खाली होता है, हाँ खाली, उसमें कोई छेद नहीं। इसलिए कृष्ण जैसे चाहते हैं उसका अंदर में ठीक वैसे स्वर्ग भर देते हैं। अगर उसमें भरा हुआ हो फिर कृष्ण कहाँ भर सकते हैं, हम तो भगवान के पास में भर करके आते हैं, हमारे हृदय में काम क्रोध लोभ मोह से हमारा भरा हुआ, ठाकुर जी भरेंगे क्या, खाली हो तभी तो भरेंगे ठाकुर जी। इसलिए रंध्रान बेणुरधर सुधया पुरयान गोप वृंदई वृंदारण्यम सपद रमणम प्राविशस्तत गीत कीर्ति। इसलिए ये वृंदावन धाम अपना को जय जयकार करती है, मेरे कितने सौभाग्य है, क्योंकि भगवान कृष्ण अवतार में हर अवतार में ठाकुर जी कोई पादुका को ग्रहण किया है, जूता ग्रहण किया, लेकिन कृष्ण अवतार में ठाकुर जी कुछ भी नहीं पहने, नंगे प्यार में वृंदावन में भ्रमण किया है। इसलिए जब भगवान चलते थे भगवान का जो चरण छाप में उन्हें से चिन्ह होता है, जब ठाकुर जी का चरण चिन्ह जब वृंदावन में पड़ता था वृंदावन अपना जीवन को धन्य मानते थे, अहो भाग्य मेरे हृदय के ऊपर में भगवान की चरण का छाप पड़ रहा है। इसलिए यहाँ पर गोपियां अपना हृदय बैठ बैठ कर घर में अपना दिव्य नेत्र के द्वारा दर्शन करते करते कृष्ण के रूप महिमा को वर्णन कर रहे हैं। आज ये वृंदावन धाम कृष्ण कितने सौभाग्यवान हैं, कृष्ण जब चलते हैं सखाल को जय जयकार करते हुए, बोले श्री कृष्ण कन्हैया लाल की, बोले श्री नंद के लाला की, जय जय श्री राधे निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। इसलिए मैया रोहिणी सब ये कथा सुना रहे थे घर में बैठी बैठी करके, मतलब भगवान की जो दिव्य रास है वो भी एक अद्भुत रास है, हाँ? रास लीला मतलब रास नहीं बल रसानाम समूह इति रास, जहां पर केवल रस रस की अभिव्यक्ति है। इसलिए जहां पर बड़े बड़े कवि भी जिस रास लीला की वर्णना नहीं कर पाए लास्ट में केवल इतना ही बोले मधुरम मधुरम मधुरम, केवल मधुर 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 बोल करके ये कथा को समाप्त कर देते हैं। इसलिए जहां पर भगवान कृष्ण की बहुत बड़ी एक प्रतिज्ञा थी गीता में, भगवान गीता में बोले ये जथा मम प्रपद्यन्ति तामस्तथैव भजाम्यहम्, बोले हे अर्जुन मुझे जो जैसे भजन करता है मैं भी उसके अनुरूप उसको प्रेम प्रदान करता हूँ। दो आना की करे दो आना की प्रेम देता हूँ, पांच आना की करे पांच आना प्रेम दे देता हूँ, दस आना की करे दस आना प्रेम दे देता हूँ। भगवान की बहुत बड़ी प्रतिज्ञा थी, लेकिन वो प्रतिज्ञा भगवान ये रासों में आकर के भगवान अपना प्रतिज्ञा रख नहीं पाए। बोले हे ब्रज की गोपियां तुम लोगों ने मुझे जैसे प्रेम की है, कभी भी ब्रह्मा जैसे परमायु पा करके भी तुम लोगों का ऋणी कभी मैं नहीं उतार सकता हूँ। तुम लोगों ने मेरे प्रीति के लिए पति पुत्र भाई बंधु परिजन सारा दुनिया को तुम लोगों ने ठोकर मार दिए हैं, जिसको कृष्ण गीता में कहते हैं सर्वधर्मान परित्यज माम एकम शरणम ब्रज। कृष्ण जो गीता में ये कहते हैं सारे धर्म को छोड़ करके मेरे पास में आओ, अगर किसको अंदर में परिपूर्ण रूप में ये श्लोकों की अगर कोई लक्षण है ये ब्रज गोपियों का अंदर में ये सारे लक्षण ये गोपियों को अंदर में पूर्णतम रूप में मिलता है देखने के लिए, हाँ। इसलिए जहाँ पर भगवान अपना प्रतिज्ञा को जहाँ तोड़ना पड़ते हैं, इसलिए भगवान जहाँ पर ये रास रचा करके भगवान जहाँ पर स्वयं शंकर जैसे भी गोपी बन करके भगवान की रास दर्शन करने के लिए शंकर जी गोपीश्वर बन करके आते हैं, जहाँ पर श्री राधा रानी की सर्वश्रेष्ठत्व की जहाँ पर कृष्ण स्थापन करते हैं ये रास लीला में। इसलिए मैया रोहिणी एक एक करके बात सुना रही थी, बोले कृष्ण वृंदावन में जो लीला की है जिस लीला को दर्शन करने के लिए सारे देवता ब्रह्मा उद्धव नारद चंद्र इंद्र भी जिनकी दर्शन करके मोहित हो जाते थे। इसलिए आप लोग वृंदावन में गए हैं एक चंद्र सरोवर है जहाँ पर कृष्ण बंसी ध्वनि करने पर जहाँ पर भगवान रास करते हैं जहाँ पर चंद्रमा आकर के एक जगह पर टकटकी लगा करके ब्रह्मा का एक दिन तक चंद्रमा एक जगह पर रुक जाती है टस से मस नहीं हो पाती है, हाँ? इसलिए बोले तेज बारी मृदाम जथा विनिमयो जत्र त्रिसर्ग मृषा,
हाँ भगवान की बंसी ध्वनि से सारा दुनिया की उथल पुथल कर डालते थे भगवान। क्या भगवान की बंसी ध्वनि की अद्भुत क्या चमत्कारिता है। जब ये सब कथा सुना रही थी महिरणिया, कृष्ण कहाँ पर है? कृष्ण बलराम अभी सुधर्मा सभा में बैठे हैं। हाँ कृष्ण बलराम, लेकिन कृष्ण को तो पता चल गया आज मैया रोहिणी हमारी ब्रज की कथा सुना रही हैं, हमने कितने मीठे मीठे हमने लीला की है, आज मैया रोहिणी हमारी कथा सुना रही हैं। इसलिए भगवान को बताए ना नारद जी, प्रभु आप कहाँ रहते हो? भगवान क्या कहते हैं? बोले ना अहम बसामि वैकुंठे जोगिनाम हृदय न च मद भक्ता जत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। बोले हे नारद, सारा दुनिया कहते मैं वैकुंठ में रहता हूँ, सारा दुनिया कहते मैं रहता हूँ जोगियों का हृदय में, लेकिन मद भक्ता जत्र गायन्ति तत्र तिष्ठा मि नारद, केवल मैं एक ही जगह पर रहता हूँ जहाँ मेरे भक्तजन मेरी कीर्तन करते। इसलिए आज माता रोहिणी ब्रज की कथा सुना रही हैं। कृष्ण तो सर्वंतर जामी। बोले दाऊ भैया तू थोड़ा यहाँ बैठ, मैं अभी आता हूँ। इसलिए दाऊ भैया को बैठा करके ना कृष्ण आ गए, आ करके अभी कृष्ण अपना कथा सुनने के लिए वो अंदर में जाना चाहते हैं। जब अंदर में जाना चाहते हैं वहां पर कौन खड़ी हुई? सुभद्रा। बोले भैया कहाँ जा रहे हो? बोले अंदर में। बोले नहीं, मैया ने मना किया अंदर जाने के लिए। जब इतने में सुभद्रा ऐसे खड़ी थी तो उन्होंने किया कि उन्होंने श्री जगन्नाथ कृष्ण को उन्होंने बाम हाथ से रोक ली। बोले नहीं आप नहीं जा सकते, मैया ने मना की। हाँ इतने में कृष्ण ने किया कि कान को वही लगा दे। हाँ अपना कान को वही लगा करके खड़े तो वहीं पर हो गए और वही कान लगा करके कथा सुनने लग गए। इतने दाऊ ने बलदेव प्रभु सोचा ये कन्हैया गया तो गया अभी तक वापस नहीं आ रहा है। इतने में बलदेव प्रभु आ गए। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की, बोले श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा सुदर्शन चक्र की, निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। उन्होंने यह वही पर उन्होंने अपना कान को लगा दिए। इतने में श्री बलदेव प्रभु जब आए, इतने में सुभद्रा बोली नहीं अंदर में तुम भी नहीं जा सकते, मैया ने मना की है। उन्होंने ऐसे कर दिए, एक जगन्नाथ जी को बाम हाथ से। हाँ देखो वहां पर ठाकुर जी को देखो, उन्होंने कहाँ कहाँ पर, उन्होंने बीच में ये सुभद्रा देवी है। हाँ एक तरफ उन्होंने जगन्नाथ जी को रोक दिया, दूसरे तरफ श्री बलदेव प्रभु रोक लिया। हाँ रोक करके बोले नहीं अंदर में आप नहीं जा सकते, मैया ने मना की है। बस बलदेव प्रभु भी वहीं पर कान को लगा दी, वो भी कथा सुनने लग गई, और श्री सुभद्रा देवी भी वो भी कथा सुनने लग गई। अभी ब्रज की कथा सुनते 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 ब्रज की जो माधुर्य है, वो माधुर्य की बात सुनते 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 जो कृष्ण थे, धीरे धीरे उनका शरीर पिघलने लग गया, प्रेम से द्रवीभूत होने लग गया। धीरे धीरे द्रवीभूत होते 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 आप जो जगन्नाथ जी का जो रूप है वहां पर आप लोग देख लीजिएगा, जो जगन्नाथ जी पूरा इतने बड़े बड़े आंख हो गया उनका, अंदर में हाथ अंदर में घुस गया, प्यार अंदर में चला गया, हाथ उनकी ऐसे हो गई। धीरे 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 बलदेव प्रभु की कथा सुनते सुनते ब्रज की वो भी धीरे 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 द्रवीभूत पिघलने लग गई, पिघलते पिघलते वो भी धीरे धीरे उनका आकार इतने बड़े बड़े हो गया। इतने में बीच में खड़ी थी सुभद्रा, वो भी कथा सुनते 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 वो भी धीरे 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 वो भी द्रवीभूत होने लग गई। होते होते जो सुभद्रा देवी को देखो और उनका जो चक्र था वो चक्र कहाँ जाएगा, वो भी कथा सुनते 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 ब्रज का वो भी एकदम खंभे बन गए। हाँ ये चार को चार ऐसे बन गए, जो बन गए वहां पर श्री, हाँ इतने में श्री नारद जी वहां पर बिना बजाते बजाते आ गए। बोले जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल। Bye.
प्रसन्न हुए। अभी भगवान नारद जी की कीर्तन सुनते सुनते भगवान का धीरे 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 जो अष्ट साथी के प्रेम से जो रूप बन गया था, धीरे धीरे भगवान फिर अपना रूप में आ गए, कृष्ण बलदेव सुभद्रा। आज ठाकुर जी इतने प्रसन्न, कृष्ण इतने खुश हुए, बोले बड़े दिनों में आज हमें ब्रज की कथा सुनने को मिला। बोले नारद जी मेरे कुछ वर मांग बेटा, आज मैं बहुत खुश हूँ। नारद जी ने कहा प्रभु अगर आप मुझे वर देना चाहते हो, आप इसी रूप को लेकर के श्री नीलाचल क्षेत्र से जगन्नाथपुरी में आप यही स्वरूप में आप विद्यमान हो करके कलयुग में आप जीवों को कृतकृतार्थ करो। कलयुग में जिसको एक बार आप ये रूप का दर्शन दे दोगे, जैसे ये जन्म मृत्यु का चक्कर से चिरकाल के लिए निकल करके आपको धाम को प्राप्त करे, मुझे यही आशीर्वाद तो भगवान को तथास्तु आशीर्वाद दे। इसलिए जो कलयुग में श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा ये प्रेम स्वरूप भगवान की जो वो रूप को दर्शन करते हैं, कहते रथे वामनम दृष्टा पुनर्जन्म न विद्यते। जो जगन्नाथ जी का रथ यात्रा जो अभी जो आ रही है जगन्नाथ जी रथ यात्रा, कहते रथे वामनम दृष्टा, रथ के ऊपर में अगर ठाकुर को एक बार कोई दर्शन करे फिर उसका पुनर्जन्म नहीं होता है, कहते इनकी ये दूसरा कारण है। उसका तीसरा कारण श्री हमारे बहुत पुरानी ग्रंथ, हाँ कहते श्री गौर गोविंद महाराज ने वो ग्रंथ को निकाले, हाँ कहते तीसरा कारण कभी बताते हैं, कहते कृष्ण जब ब्रज में उन्होंने ये मधुर मधुर लीला की ठाकुर जी ने, फिर ये सारे लीला करके जितने कथा सुनी कृष्ण इसको बाद में चले जाते मथुरा। फिर मथुरा से जब जरासंध और काल जवन आक्रमण करने पर फिर कृष्ण चले जाते हैं द्वारका। जब कृष्ण द्वारका चले गए भगवान, एक दिन भगवान कृष्ण रहते हैं द्वारका में, एक दिन उन्होंने ब्रज की चिंता करते करते सखाओं की सखियों की वहाँ के लता पताओं की भगवान स्मरण करते 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 और राधा रानी के प्रेम को स्मरण करते करते एक दिन कृष्ण एकदम बेहोश हो गए, शरीर में कोई हुदहुद नहीं रहा, एकदम अज्ञान होकर गिर पड़े भगवान। जब गिर पड़े जितने सारे द्वारकावासी सबके सब बड़े चिंता में पड़ गए, ये कृष्ण तो बेहोश हो गए, उनका होश कैसे आएगा। इतने में नारद जी आए, बोले नारद जी आप भगवान का कीर्तन करो, हो सकता है कृष्ण को कानों में उनका कीर्तन सुने फिर तो उनका होश आ सकता है।
नारद जी ने कहा देखो मैं तो कीर्तन कर सकता हूँ लेकिन एक विपत्ति भी आ जाएगी। बोले क्या विपत्ति? अगर मैं कीर्तन करूं कृष्ण का होश आ जाए ना फिर कृष्ण द्वारका में नहीं रहेंगे, तुम सबको छोड़ देंगे, सबको छोड़ कर कृष्ण वृंदावन चले जाएंगे, यहाँ रहेंगे नहीं। बोले फिर, बोले फिर क्या किया जाए? बोले एक काम करो, हाँ एक काम करो। बोले नारद जी आप तो कीर्तन करो, कृष्ण जब उठेंगे ना, हाँ कृष्ण जब उठेंगे इनको हम वृंदावन में हम भेज देंगे। इसलिए बोले एक काम करो, बोले उद्धव जी आप एक काम करो, आप ब्रज में जाओ, ब्रज में जा करके ब्रजवासियों को बोलो जे कृष्ण अभी आने वाले हैं, हाँ कृष्ण आने वाले। उद्धव जी बोले मैं नहीं जाता। बोले मैं नहीं जाऊँगा। बोले क्यों नहीं जाओगे? बोले मैं कुछ दिन पहले गया था, हाँ मैं कुछ दिन पहले कृष्ण मेरे को मेरे हाथ में एक पत्र लिख करके भेजे थे ब्रजवासियों को, उनको सांत्वना देना मैं जल्दी जल्दी आऊंगा, मैं ब्रज में जा करके ब्रजवासियों को बेहो को मैंने देखा है, कृष्ण जब से ब्रज छोड़े तब से ब्रज में कोयले कुह कुह नहीं करते हैं, मयूर नृत्य नहीं कर रहे हैं, चिड़िया सबके सब कृष्ण विरह में भूखे हैं, जब से कृष्ण ब्रज छोड़े तब से गैया घास नहीं खा रही, बछड़े दूध नहीं पी रहे हैं, कोई ब्रजवासी घर में खाना नहीं बना रहे हैं, मैया जसोदा तो वहां बेहोश होकर गिर पड़ी हुई। बोले कृष्ण को छोड़ करके और कोई दूसरा चीज देखूंगी नहीं, जब कृष्ण आएंगे तो मैं आंख खोलूंगी। नंद बाबा तो दरवाजा के सामने ऐसे देख कर बैठे रहते, क्यों? कृष्ण कहा था आज जा रहा हूं, कल कंस को मार करके परसों वापस आ जाऊंगा, लेकिन अभी तक भी नंद बाबा ऐसे बैठे, कन्हैया तो कभी झूठ बोल ही नहीं सकता है, वो जरूर आएगा, इसलिए वो देख रहे राह को कब कृष्ण आए हैं। और जितने सखा है, जैसे हम जाते हैं ना भांडेरी भट्ट में वृंदावन में, वहां श्रीदाम भैया वो तो वहीं पर बैठा हुआ है, कन्हैया आएगा तब तो हम गया चराने जाएंगे, कन्हैया को छोड़कर हम कैसे गया चराएंगे। कृष्ण विरह में संपूर्ण ये ब्रज एकदम डूबा हुआ, वहां तो उनको आंखों से आंसू जो बह रही हैं, नाली रूप में पानी रूप में बह रही हैं, इतने आंसू ये ब्रजवासी कृष्ण विरह में, मैंने स्वयं देखा ये बात को, मैंने कृष्ण को आकर के बोला कृष्ण तेरे विरह में ये ब्रज संपूर्ण रो रहा है, तू एक बार जा वृंदावन में एक बार। बोला थोड़ा रोते हैं, बहाना बना करके जाते नहीं, मैं तो बोल करके आया था ब्रजवासियों को जरूर कन्हैया को लेकर के मैं आऊंगा ही, लेकिन अगर दो बार जाऊं ना ब्रजवासी बोले झूठा फेरा गया, ये बोल कर गया था कृष्ण को लेकर के आएगा अभी तक तो आया नहीं, झूठा फेरा गया, ये झूठ बोलने के लिए मैं नहीं जाऊंगा। पर श्री बलदेव प्रभु को बोले, बोले बलदेव तू जा। बोले मैं नहीं जाऊंगा क्योंकि मैं भी गया था, कृष्ण जब गए नहीं मैं भी गया, मैं भी ब्रज का विरह को देखा, मैंने थोड़ा मीठी मीठी बोली बोल करके उनका थोड़ा संतोष भी किया। राम घाट में मैंने गोपियों को लेकर के, मैं अपना दल गोपियों को लेकर के रास भी किया, थोड़ा आनंद देने के लिए कोशिश तो की है, लेकिन कृष्ण की जो गोपियां सखा, कृष्ण के बगैर वो कोई भी सैटिस्फाई नहीं है, वो चाहते कृष्ण आएगा तभी हम खुश होएंगे, हैं? इसलिए मैं भी ये बात बोल करके आया था, कृष्ण को हम जरूर लेकर के आएंगे, अगर मैं दोबारा जाऊं ना, बल्कि झूठा फिर आ गया। पहले तो झूठ बोल कर गया, फिर आ गया मुंह दिखाने के लिए, इसलिए मैं नहीं चलता हूं। बोले भैया कौन जाएगा? इतने में सुभद्रा राजी हो गई, बोले मैं जाऊंगी, देखो मैं स्त्री हूँ, हाँ स्त्री होने के नाते सब स्त्रियों को अंदर में स्वाभाविक रूप में चला जाऊंगा, गोपियों के पास में, मैया के पास में, मैया की गोद में बैठ जाऊंगा, गोपियों को बोलूंगा कन्हैया जल्दी जल्दी आ रहे हैं, इसलिए मैं चलती हूँ। जब सुभद्रा राजी हुई फिर बलदेव प्रभु ने देखा सुभद्रा स्त्री है, हाँ पहले स्त्रियों को अकेला कहीं जाने नहीं दिया करते थे, बोले जब ये अकेली बहन जाएगी कैसे हमको इतना दूर हम छोड़ देंगे अकेले अकेले। बलदेव प्रभु बोले ठीक है मैं भी चलता हूँ, हाँ इतने जो मैं चलता हूँ इतने में बोले एक काम करो तीन रथ बनाओ, एक तो सुभद्रा के लिए रथ बनाओ, हाँ और एक बलदेव प्रभु और एक कन्हैया के लिए, तीनों के लिए रथ, अभी कृष्ण जगेंगे ना उनको भी रथ में बैठा लेंगे, इसलिए अभी तीन रथ बनाए गए, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा की बड़े सुंदर भव्य रथ बनाए, भव्य रथ बनाए। इतने में श्री नारद जी बिना पर उन्होंने भगवान की कीर्तन किया, ब्रज की कीर्तन किया। बोले नारद मुनि बजाए बिना
राधिका रमण नामे हरि नाम अमने उदिता है भक्त गीत सामे नारद मुनि बजाए बिना राधिका रमण नामे। सब नारद जी बिना पर श्री राधा रमण बोल करके जय जय राधा रमण हरि बोल, 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 हरि बोल 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 हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय इतने में कृष्ण जगे, कृष्ण एकदम ब्रज प्रेम में डूबे हुए थे। जब ब्रज प्रेम से उन्होंने जगे, जगते ही उनको तो ऐसे लगा जैसे मैं वृंदावन में हूँ, वो भूल गए मैं द्वारका में हूँ। इतने में जो उनको सोचा वृंदावन का भाव में डूबे हुए थे, इतने में देखा नारद जी को, बोले नारद तुम वृंदावन में? इतने में देखा, बोले उद्धव तू कैसे वृंदावन में आ गया? सामने देखा समुद्र, बोली फिर धीरे धीरे कृष्ण को होश आया। नारद जी, उद्धव जी ने कहा प्रभु आप वृंदावन में नहीं हो, आप अभी द्वारका में हो। आप वृंदावन की कथा को, राधा जी के प्रेम को आप स्मरण करते करते बेहस हो गए थे, आपको होश में लाने के लिए हमने कीर्तन की है। इतने में कृष्ण तो ब्रजवासियों की याद आया, तो कृष्ण दौड़े वहां से वृंदावन के लिए दौड़े। जब दौड़े इतने में उद्धव जी नारद जी बोले प्रभु हमें यही पता था आपका होश आते ही वृंदावन के लिए जाओगे, इसलिए आपके लिए रथ तैयार है, रथ में बैठो और चलो। अभी कृष्ण पूरा ब्रज भक्ति में पूरा डूबे हुए हैं। कृष्ण जब कोई शराब पीता है ना, क्या होता है? आप लोग रथ यात्रा दर्शन करना, जगन्नाथ जी को जब अंदर से लाते हैं ना, जगन्नाथ जी को आप देखना, जगन्नाथ जी कैसे आते हैं, हाँ? कभी ऐसे गिरते गिरते गिर जाते हैं, कभी ऐसे ऐसे गिरते 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 हैं, कभी ऐसे ऐसे, जैसे कि शराब पीने पर एक व्यक्ति का प्यार डगमगा तो ये चलता है, उसी तरह कृष्ण भी ब्रज प्रेम की शराब पिए हुए हैं, राधा रानी की प्रेम की, गोपियों की प्रेम की शराब में डूबे हुए हैं, हाँ? इसलिए शराब भी जैसे महाप्रभु कृष्ण ऐसे 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 ढोलते 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 जगन्नाथ जी अभी उनको ले जाते हैं, कहाँ बैठाते हैं? उनको रथ के ऊपर बैठाते हैं। रथ के ऊपर बैठा करके अभी उनको पहले जगन्नाथ जी बलदेव प्रभु चलते हैं, क्योंकि सुभद्रा देवी है ना, बहनी है, इसलिए बहनी को बीच में रखते हैं। पहले बड़े भाई चलते हैं, बीच में सुभद्रा देवी और पीछे सबसे पीछे कन्हैया, सब भक्तों को लेकर के सबके सब चलते हैं। चलते चलते लेकिन उधर क्या हुआ देखो, उधर ब्रज में श्री राधा रानी, हाँ, श्री राधा रानी गोपियों को कहती है, बोले हे गोपियां मैं और ये जीवन धारण नहीं करूंगी। कृष्ण बोल कर गए थे मैं परसों आऊंगा, लेकिन परसों बोल करके बरसों बीत गया, अभी तक ये कृष्ण नहीं आए। कृष्ण विरह में अपना प्राण त्याग देना चाहती हूँ। बोले गोपियां अगर मैं शरीर छोड़ दू ना,
शरीर पांच चीज से बनी हुई होती हैं, खीति आब तेज मरुत बम। ये पांच वस्तुओं को द्वारा कहते मेरे शरीर में जो मिट्टी है कृष्ण जिस आंगन में खेलते हैं मेरे शरीर का मिट्टी को वहीं डाल देना। कृष्ण जब खेलेंगे चलेंगे उनका चरण का स्पर्श मुझे मिलेगा। मेरे शरीर में पानी है वो पानी को तुम छोड़ देना, आकाश में जो मेघ छा जाते हैं। कृष्ण जब गैया चराने जाते हैं मैं मेघ बन करके कृष्ण का शरीर में जिस फुहारा में जिसे स्नान करते हैं ना, ऐसे वो पानी की फुहारा से मैं कृष्ण को मैं स्नान कराऊंगी। मेरे शरीर में जो हवा है मेरे शरीर में, ये हवा को वृंदावन में इसको कृष्ण को पास में छोड़ देना। हवा बन करके कृष्ण का श्वास श्वास में, कृष्ण की श्वास श्वास में मैं रम जाऊंगी। हाँ, इसलिए खेति आकाश, जहाँ पर आकाश है कहते संपूर्ण, जहाँ कृष्णा जहाँ लीला करते हैं वहाँ जो शरीर में जो आकाश है वहीं पर छोड़ देना। इसलिए जो अग्नि है सीसा रूप में रख लेना। कृष्ण जब अपना परछाई को देखते हैं सीसा रूप में वहीं मेरे को दर्शन करते रहे। इसलिए मेरे पंचभौतिक शरीर को संपूर्ण कृष्ण रस में कृष्ण भक्ति में ही मेरे शरीर को डुबो देना। हाँ, इसलिए राधा रानी कहीं से बोल रही थी करते 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 राधा रानी तो वहीं बेहोश हो जाती है। जो बेहोश हो जाती है इतने में श्री जगन्नाथ जी, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा तीनों आते हैं। हाँ, जब वहां पर जगन्नाथ जी कृष्ण आए, कृष्ण जब आए वहां पर कृष्ण जब आए इतने में राधा रानी तो बेहोश हो गई। सब गोपियां उनको होश दिलाने के लिए कोशिश कर रही है। राधा रानी की होश कैसे आए, जब कृष्ण आ गए, जब देखा कृष्ण आ गए जाकर के राधा रानी को, इतने में ललिता जाकर के राधा रानी के कान में बोलते हैं राधे श्याम सुंदर आ गए हैं, श्याम सुंदर आ गए हैं। इतने जब कृष्ण वहां पर आए और उन्होंने देखा राधा रानी मेरे प्रेम में वहां पर बेहोश होकर पड़ी हुई, उनके प्रेम को देख करके कृष्ण भी राधा जी के प्रेम में, वो भी रो रो करके राधा रानी का प्रेम में, वो भी वहीं पर बेहोश हो जाते हैं। सबके सब बेहोश, राधा रानी बेहोश, कृष्ण बेहोश, सब सब बेहोश हो गए उसी प्रेम में। जब बेहोश हो गए इतने में राधा रानी के कान में ललिता विशा कहती है कृष्ण आ गए हैं, जिसके लिए तुम इतने रो रहे थे आ गए। बोले आ गए? बोले हाँ आ गए। इतने में राधा रानी आँख खोलती है, आँख खोलकर देखती है जगन्नाथ जी तो कृष्ण तो राधा रानी का प्रेम में आंखों से आंसुओं की बात हुई, जमीन पर लोट पोट उठा रहे थे। इतने में राधा रानी कहती है पहले ये कृष्ण को होश दिलाओ, कृष्ण को संभालो। करते करते कृष्ण राधा रानी का प्रेम में धीरे 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 जो जगन्नाथ जी का जो रूप दर्शन कर रहे हो वो राधा प्रेम में स्वयं कृष्ण ये द्रवीभूत बनकर के ये रूप धारण किया, ये राधा प्रेम में द्रवीभूत होकर रूप धारण किया है। हाँ, इसलिए जो बलदेव प्रभु भी उसी प्रेम को देख करके, से दाव भैया भी वो प्रेम में भी द्रवीभूत होकर के बलदेव प्रभु जैसे सारे आकार ऐसे हो गया, सुभद्रा और सुदर्शन ये चारों को चार ऐसे रूप धारण कर लिया। हाँ, ऐसे रूप जब धारण कर लिया इतने में श्री नारद भी वहां आते हैं। वहां से नारद जी आकर के फिर उन्होंने कीर्तन करते हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे।
नारद जी जब कीर्तन करते हैं फिर जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा फिर अपना होश में आते हैं। उसी समय भी जगन्नाथ जी बड़े खुश होते हैं, प्रसन्न होकर के कहते, बड़े दिनों में मैंने श्री वृंदावन का भाव को मैंने आस्वादन की। बड़े प्रसन्न होकर नारद जी को भी यही वरदान देते हैं। नारद जी भी यही चाहते हैं, प्रभु आप इसी स्वरूप को लेकर श्री जगन्नाथपुरी में आप विद्यमान हो, सबको प्रसाद दो, दर्शन दो, सबको जीवन धन्य बनाओ। इसलिए उन्होंने वरदान मांगे थे, राजा भी ठाकुर जी वरदान मांगे थे, बोलो प्रभु दिन में आप लोग 2 घंटा घुमाना, ज्यादा समय नहीं, दिन भर दर्शन करते रहो और इतने खाना खाओ आपका हाथ को भी सूखनी नहीं चाहिए। इसलिए भगवान को 56 बार मतलब 56 टाइम ठाकुर जी को भोग लगता है। जैसे ठाकुर जी अभी खाना खाए ना, खाना खा कर उठे, खा कर फिर हाथ धोना पड़ता है, हाथ धोए अभी हाथ सूखा नहीं फिर खाना खाए। अगर 56 टाइम अगर भोग लगाओ खाना खाओ, बताओ सारा दिन जगन्नाथ जी खाना खाते रहते हैं और जगन्नाथ जितना खाएंगे उनका प्रसाद सबको मिलेगा और सबको उनको प्रसाद मिलता है। बात चकाचक आप देखना 24 घंटा जगन्नाथ मंदिर में प्रसाद, जगन्नाथ जी की प्रसाद, प्रसाद जगन्नाथ जी का प्रसाद। इसलिए उनका प्रसाद नाम है कैवल्य। कैवल्य मतलब होता है मुक्ति। जो जगन्नाथ जी का प्रसाद की इतने महिमा है, जो एक बार प्रसाद पाल वक्त बड़ा पा रहे, वहां पर जो चावल का किनका थोड़ी थोड़ी पड़ा रहता है, आप सवेरे जाकर देखो एक भी किनका नहीं मिलेगा। बोले कहाँ जाता है, बोले स्वर्ग से देवता लोग उतर करके आते हैं, रात को प्रसाद को पा करके चले जाते हैं। इतने महिमा श्री जगन्नाथ जी की प्रसाद की इतने महिमा। इसलिए जगन्नाथपुरी क्षेत्र में जो प्रवेश करते हैं सारे देवता उनको 2 हाथ रूप में नहीं, उनको दर्शन कर सब चतुर्भुज है, सब वैकुंठ के जैसे परिकर 4 हाथ वाले उनको चतुर्भुज रूप में दर्शन करते हैं। वहाँ कोई व्यक्ति शरीर छोड़ दे फिर उसको अधोगति नहीं, वो सीधा स्वर्ग चले जाता है, उसको पाप नहीं। इसलिए वहाँ पर स्वर्ग द्वारपुरी में हाँ बड़े बड़े दूर से लोग ला करके वहीं जलाते हैं। क्यों, क्षेत्र जगन्नाथ क्षेत्र में आए, उनका दाह भी संस्कार हो जाए, उनको भी उद्धार हो जाते हैं। जगन्नाथ की बड़ी महिमा, वहाँ कीड़े मकड़ों के भी देवता लोग चतुर्भुज रूप में उनको दर्शन करते हैं, इतने जगन्नाथ की महिमा है। इसलिए 3 कथा है और भी बहुत कथा है, गुरु जी ने तो ग्रंथ में बहुत कुछ लिखे, चैतन्य चरितामृत में बहुत कथा। अभी जगन्नाथ जी मंदिर से गए लक्ष्मी को बोल करके, क्यों लक्ष्मी के पास में रहते हैं ना, लक्ष्मी बोली कब आओगे, क्योंकि जगन्नाथ जी को 15 दिन पहले से जगन्नाथ जी को बंद हो जाता है, जगन्नाथ दर्शन नहीं देते हैं, उनको स्नान कराया जाएगा, इतने स्नान कराएंगे जगन्नाथ जी बुखार में पड़ जाते हैं। जगन्नाथ जी 15 दिन तक जैसे हमको बुखार आ जाए ना, हम खिचड़ी पिचड़ी किस तरह से खाते ना, रोटी खाते हैं हाँ, इसलिए जगन्नाथ जी को बुखार 15 दिन रहता है। बोले बुखार नहीं, वो प्रेम की बुखार है, गोपियों की राधा जी की जिनको याद करते करते उनको प्रेम की बुखार आ जाती है। इसलिए वो लक्ष्मी को अंदर में 15 दिन तक लक्ष्मी को मनाते हैं, क्योंकि अगर एक व्यक्ति का 2 पत्नी हो ना, अगर पति एक पत्नी को बोले उसी पत्नी को पास में जाऊंगी, पत्नी क्या बोले, जाओ तो आने का जरूरत नहीं, वही रहना, जरूरत नहीं आने का, वो बिगड़ जाएगी। इसलिए जगन्नाथ जी वो 15 दिन तक लक्ष्मी को मनाती हैं, हाँ शरीर में हाथ बुला करके किसको दर्शन नहीं देते, केवल 15 दिन तक उसको मनाती रहती है। तो मेरे को किसी तरह से तरह आदेश दे दे, मैं ब्रज में जाऊं और राधा जी की गोपियों से मिल करके 15 दिन तक मनाते हैं। लक्ष्मी बोलती है कब आओगे, बोले आज जा रहा हूँ मैं, कल फिर 2 दिन बाद में वापस आ जाऊंगा, ज्यादा देर थोड़ी रुकूंगा, तेरे को तो छोड़कर मैं रह नहीं सकता हूँ, इसलिए जल्दी जल्दी आ जाऊंगा। जगन्नाथ जी बड़े उनको बड़े मीठी मीठी बात बोल देती हैं और जगन्नाथ जी उनका जो भंडारा है ना ताला लगा देते हैं और चाबी काठी ले जाते हैं और लक्ष्मी को 2 दिन के खाना देकर चली जाती है। लेकिन जगन्नाथ जी गए ना, 5 दिन ही हो गया लापता, आए नहीं। लक्ष्मी इतने बिगड़ जाती हैं लक्ष्मी, वो क्या करती हैं, एक स्त्री का एक स्वभाव, क्या स्वभाव है, अगर आप किसी लड़की को साथ में किसी पत्नी पत्नी हो, अगर उसका पति अगर किसी और किसी लड़की के थोड़ा प्रेम करे ना, थोड़ी मीठी से अगर बोली बोल दे, वो सहन नहीं कर सकती, बोले उससे क्यों मीठी मीठी बात कर रहे थे, हाँ। इसलिए वो लक्ष्मी इतने बिगड़ जाती है, 5 दिन ही हो गया आई नहीं। लक्ष्मी है ना वो बाहर निकल के आती है, सारा दुनिया में ढिंढोरा पिटवाती है,
कहती जगन्नाथ जी मेरे को बोल कर गए दो दिन बाद में आने के लिए, देखो पांच दिन ही हो गया कोई लाभ पता नहीं, खाने के लिए भी मेरे को नहीं दिए और देखो कैसे अभी तक भी वापस नहीं आए, सारा दुनिया में टहलका ढिबरा पिटवा देती है, स्त्री का स्वभाव है सारा दुनिया में बोलते रहेगी, जिसको देखेगी उसको बोलेगी, देखो हमने शादी किया दूसरे से कैसे प्रेम कर रहा है, दूसरे को साथ में लेकर घूमता है और मेरे को लेकर घूमता नहीं, इसलिए लक्ष्मी तो सारा दुनिया में जाकर ढिबरा पिटवाती है। और मेन रोड में आकर के कहते जगन्नाथ जी मेरे को देखे बोला दो दिन के लिए खाने के लिए दिया और दिया नहीं, सबसे भीख मांगती है लक्ष्मी, भीख मांगती है वहां पर। अब जाओगे देखोगे वहां पर लक्ष्मी बाहर आकर के सब दुनिया लक्ष्मी को धोखा देती है, पैसा दक्षिणा देती है लक्ष्मी को। जब जगन्नाथ जी जब पांच दिन में नहीं आए, उसका नाम कहते हेरा पंचमी, लक्ष्मी ना अपना संन्यास सामंत को लेकर के बड़े सज धज करके कहती ये गोपियां कैसे मेरे पति को ले दो दिन बाद में आएंगे, पांच दिन ही हो गया, वो जाकर जगन्नाथ के रथ रहते ना एक पहिया को घुसा मारे तोड़ देती है, इतने घुसा आ जाती उसकी पहिया तोड़ देती है। महाप्रभु देख देख कर बोले देखो हंस रहे, देखो जब स्त्री पति पर बिगड़ती है कैसे घुसा निकालती है कैसे घुसा निकालती है, इसलिए महाप्रभु वहां बैठ बैठ कर हंसते रहते देखते रहते लीला को। और लक्ष्मी जाकर के चैन के ऊपर में सिंहासन में बैठ जाती है, बैठ करके अपना जितने गण को बल्कि सब जितने गोपियां ना पकड़ पकड़ कर ले आओ, मेरे पति को कोई आने नहीं दिया, मतलब दो दिन बाद में आ जाएंगे अभी तक आएंगे, सब उनको पकड़ पकड़ दो दल बनता है हा? ये गोपियां को दल को लक्ष्मी की दल पकड़ पकड़ कर गले में कपड़ा लगा कर पकड़ पकड़ कर लाती हैं, लक्ष्मी को चरण में गिराती हैं। और जो गोपियां लक्ष्मी के पास में माफी मांगती हैं, बोले हम आपके पति को जल्दी जल्दी छोड़ देंगे, आप चिंता मत करो लक्ष्मी, आप प्रसन्न होकर के जब माफी मांगती हैं फिर लक्ष्मी थोड़ा शांत दीप थोड़ा शांत होती है, जब शांत होती हैं फिर लक्ष्मी वापस आ जाती है। फिर जगन्नाथ जी कितने दिन के बाद में, बोले 15 दिन के बाद में आते हैं। जब आते हैं ना जगन्नाथ जी, इतने में लक्ष्मी को जो पता चला उनको सखियों ने कहा जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा धूल उड़ाते हुए आ रहे हैं, लक्ष्मी नीचे जल्दी आती, बोले दरवाजा बंद कर उनको घुसने नहीं जाना है, दरवाजा बंद कर दो, दरवाजा बंद कर देती है। पहले बलदेव प्रभु आते हैं, जब बलदेव प्रभु आते बोले कौन आ रहे हैं, वहां पर लक्ष्मी के दल उधर गोपियों के दल, बोले कौन आ रहे हैं, बोले तुम्हारी जेठ आ रहा है बलदेव, बोले जेठ से साथ में कोई लड़ाई नहीं, उसके दरवाजा खोल दो, वो जेठ है। उसके बाद में सुभद्रा आती है, बोले कौन आ रही है, बोले तुम्हारी ननद आ रही है, बोले ननद आ रही है, बोले ठीक है ननद के लिए खोल दो, बोले कौन आ रहे हैं, बोले जगन्नाथ, बोले दरवाजा बंद करो, उनको साथ में झगड़ा उनको साथ में उनको घुसने नहीं देंगे हाँ। फिर लक्ष्मी प्रश्न करती है क्या बात है, कितने दिन के लिए गए थे, दो दिन के लिए, कितना दिन हो गया, 15 दिन हो गया, क्या कर रहे थे, बड़े जवाब मांगती हैं। लेकिन जगन्नाथ छलिया है, उनको तो सब पता है, जब गोपियों को मनाती राधा जी को, लक्ष्मी को मनाने कोई बड़ी बात थोड़ी है, कृष्ण को पता है स्त्रियों को मनाना तो क्या करनी चाहिए, देखो जगन्नाथ जी सिखा देते, आप पुरुष लोग भी सीख लो जगन्नाथ जी शिक्षा देते हैं स्त्रियों को मनाना तो कैसे मनाओगे, जगन्नाथ जी तो बड़े छलिया है उनको पता है स्त्री को खुश करना तो कैसे, जगन्नाथ जी बहाना बनाते हैं, बोले मैं क्या करूं तेरे लिए तो मैं देरी होगी, बोले मेरे लिए क्या देरी होगी, बोले देख जब मैं विदेश से गया हूँ तेरे लिए कुछ लाए बगैर खाली हाथ से तो मैं आ नहीं सकता, तेरे लिए तो कुछ लेकर के आनी चाहिए, बोले क्या लेकर के, बोले तेरे लिए ना बड़े सुंदर साड़ी, बनारसी साड़ी जिसमें सोने की एम्ब्रॉयडरी का काम हो, बड़े सुंदर साड़ी तेरे लिए मैंने ऑर्डर दिया था, और बढ़िया सोने की गहना गले के लिए, कमर के लिए, कान के लिए, सिर के लिए, बड़े सुंदर सुंदर प्योर सोने की जिसमें हीरे जवाहरात जड़े हुए वो गहना मैंने ऑर्डर दिया था, अभी बताओ तेरे लिए कुछ लाए बगैर खाली हाथ से कैसे आ सकता था, वो देने में अगर मिस्त्री अगर देने में लेट कर दिया तो मैं क्या करूं, भगवान झूठ बोल देते हैं हाँ, बोले मैं क्या करूं। जब लक्ष्मी सुनती है गए तो गए, और स्त्रियों को खुश करना ये दो चीज सबसे बढ़िया बढ़िया चीज, उनको खुश करना, उनके लिए बड़े सुंदर सुंदर साड़ी ले आओ, उनके लिए बड़े सुंदर जो लायक करते हैं बड़े सुंदर सुंदर गहना ले आओ, उनको पहनने में व्यवस्था कहे, इसलिए कहते मैं क्या करूं देर कर दिया, तो ये दोस्त थोड़ी है उन्होंने लाने में देर कर दी, बोले और क्या लाया तेरे को पता है, बोले क्या, बोले स्पेशल रसगुल्ला ऑर्डर दे करके तुम्हारे लिए बढ़िया रसगुल्ला लाया हूँ,
लक्ष्मी जब सुन दी है ना, मेरे लिए रसगुल्ला भी लाए, मेरे लिए बढ़िया कपड़े भी लाए हैं, मेरे लिए बहुत बढ़िया गहने भी लाए हैं। फिर श्री जगन्नाथ श्री लक्ष्मी कहती हैं, ठीक है दरवाजा खोल दो। अभी दरवाजा खोल दिए और लक्ष्मी उनको बड़े सुंदर उन्होंने आरती उतार करके फिर उनको अंदर में ले आती है। कहते ये जो इजुट कथा है, ये पुरी में ये सारी कथा होती है। और श्री चैतन्य चरितामृत में श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी बहुत अच्छे रूप में महाप्रभु कैसे ये जगन्नाथ रथ यात्रा को उन्होंने मनाया, कैसे रथ खींचते हुए सात दल में कैसे कीर्तन करते थे, उनके हृदय में क्या भाव, हाँ किस भाव से महाप्रभु राधा जी के भाव में अपना हृदय रथ में कृष्ण को कैसे बैठा करके उनको द्वारका नहीं तो उनको कुरुक्षेत्र से कैसे उनको वृंदावन में ले आती हैं। महाप्रभु बड़े भाव से ये रथ यात्रा को मनाया करते थे। इसलिए एक ही लीला है महाप्रभु की लीला में, ये रथ यात्रा है जिसमें महाप्रभु का सारे परिकर मिल करके जिस रथ यात्रा को मनाया करते थे। ये जगन्नाथ जी रथ यात्रा की रहस्य है, इसमें और बहुत सारी कथाएं, और अगर कभी चांस होगा तो फिर हम निकले और भी कथा सुनेंगे, टाइम से ज़्यादा आधा घंटे से ज़्यादा समय हो गया है। इसलिए हम आज जगन्नाथ जी कथा को हम यहीं पर समाप्त करते हैं, 4 बजे तक 4:30 हो गया है, इसलिए हम यही कथा समाप्त कर देते हैं। उनको इशारा आ गया प्रभु जी, निताई गौर प्रेमानंद हे हरि हरि बोल। हाँ आरती कर दो। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिव सदि गौर भक्त वृंद श्री कृष्ण चैतन्य आरती आरती प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिव सदि गौर भक्त वृंद जय
जैसे बलदेव प्रभु की सुभद्रा चित्र।